रबीउल अव्वल को मक्के मुकर्रमा में हुई और उस वक्त के रिवाज के मुताबिक करियों से देहातों से औरतें आती थी और शहर मक्का के बच्चों को ले जाकर उनकी परवरिश किया करती थी। तो इसी तरह कबीले साद से एक औरत हलीमा और उनके शोहर हारिस मक्के को तशरीफ लाए, दौलत वालों के घरों पर पहुंचे, इनको कोई बच्चा नहीं दिया गया उनकी कमजोरी और बेकसी को देखकर। फिर हलीमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा को उनका नाम पूछा और उनके कबीला का नाम पूछा, तो हलीमा और सादिया दोनों का नाम सुनकर अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। यानी हलीमा हिल्म से है और सादिया सादत से है, ये दोनों बातों को सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादे बहुत खुश हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के हवाले कर दिया। यहाँ तक बात पहुँची थी। यहाँ से अब हलीमा लेकर जब ऊंट पर सवार हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हलीमा के शोहर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट में सामने बिठाया तो ऊंट इतनी तेजी से चली कि तमाम वो ताकतवर ऊंटनियाँ जो पहले काफिले वालों की थी सामने जा चुकी थी, हलीमा को छोड़कर जा चुकी थी, और काफिलों वालों को पीछे छोड़कर हलीमा की सवारी आगे निकल जाती है। जब वो आदमी आगे निकलने लगती है तो काफिले वाले कहते हैं, हलीमा तुझे क्या हो गया, तुझे ऊंटनी कहाँ से इतनी तेज रफ्तार, इतनी फुर्तीली ऊंटनी, इतनी ताकतवर ऊंटनी तुझे कहाँ से मिल गई। हलीमा कहती है कि ऊंटनी नहीं बदली बल्कि ऊंटनी का मालिक बदल गया। ऊंटनी की बात पहले हमारे हाथ में थी, अब ये ऊंटनी की बात असल मालिक के हाथ में, असल बाग का जो मालिक हकदार है उसके हाथ में जा चुकी है। हलीमा बड़ी गरीब खान गरीब घराने की औरत थी जिसकी वजह से उनके घर के अंदर फाके रहते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर में दाखिल हुए, हलीमा के घर में दाखिल हो गए तो बरकतों ने अलग हलीमा के घर में डेरे डाल दिए। एक बहुत बीमार ऊंटनी जो चल भी नहीं सकती थी हलीमा के घर में बंधी हुई थी, जिसे चारा दूर से लाकर जंगलों से लाकर उसे चारा डाला जाता था, वो जंगल तक चलकर भी नहीं जाती थी बल्कि उसे चारा जंगल से लाया जाता था और उसकी जगह पर उस ऊंटनी को चारा डाला जाता था। लेकिन जब हलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर पहुंचती ही उस ऊंटनी के अंदर फुर्ती आ जाती है, टहल जाती है, देखती है कि उसकी उसके थनों में भी दूध भरा हुआ है। अब हलीमा के शौहर हारिस पहुंचते हैं और उस ऊंटनी का दूध निकाल कर लाते हैं। घर में सारे लोग पेट भरकर उस ऊंटनी का दूध पीते हैं, सारे जानवरों से दूध लिया जाता था, किसी को काफी नहीं होता था, सिर्फ एक अकेली का ऊंटनी सारे घर वालों को काफी हो रहा है। और जो ऊंटनियां चरने गई थी या जो बकरे जो जानवर हलीमा के घर से चरने गए थे, रोजाना जब वो घर को वापस आती थी तो उनका पेट भरा हुआ नहीं होता था। पेट भरने के लिए सही तरीके से उन जानवरों को चारा नहीं मिलता था। लेकिन जब आज जब अल्लाह के नबी जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर तशरीफ लाए हैं, रात को जानवर घर तशरीफ लाते हैं, ऊंटनियाँ और बकरे वगैरह जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हलीमा के घर रात को पहुँचती हैं, सारों के पेट भरे हुए हैं,
जो दूध वाले जानवर था उनके थनों में दूध भरा हुआ है। और दोस्तों तारीख में आता है कि खुद हलीमा का दूध उसके एक बच्चे को बस नहीं आता था, लेकिन अल्लाह के नबी के तशरीफ लाने के बाद अब दोनों बच्चे पेट भरकर दूध पी रहे हैं। पहले एक बच्चे को दूध बस नहीं आता था, जिसकी वजह से, भूख की वजह से बच्चा हमेशा रोता रहता था, हलीमा का लड़का हमेशा रोता रहता था, और उस भूख की वजह से उसकी नींद भी नहीं होती थी। हलीमा और उसका शौहर परेशान हो जाते थे, घर वाले परेशान हो जाते थे। जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, दोनों बच्चे पेट भरकर दूध पीते हैं और आराम से सो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब हलीमा के इस बच्चे का नाम रिवायतों में आता है अब्दुल्ला था। तो इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश होती रहती है। जब अल्लाह के नबी की उम्र 2 साल की होती है तो उसूल के मुताबिक हलीमा अल्लाह के नबी को लेकर मक्के मुकरमा पहुंची थी, लेकिन वहां कुछ वबा फैली होती है, कुछ बीमारी फैली होती है, तो इस बीमारी का वास्ता देकर हलीमा खुद हजरत आमीना से कहती हैं कि बीबी, शहर में वबा है, अगर बच्चे को कुछ दिन और परवरिश करने की मुझे इजाज़त दे दी जाए तो मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ। मन्नतें समाजत करके खुद हलीमा बच्चे को फिर वापस ले आती है। वापस ले आने के बाद कुछ अरसा परवरिश करती रहती है हजरत हलीमा। तो जब ये बच्चे कुछ 3-3.5 साल के उम्र के हो जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि इनका भाई जो था अब्दुल्ला, हलीमा का लड़का, दिन में कहीं नज़र नहीं आता था, और हलीमा की बेटी शीमा और एक बेटी भी थी, दो बहनें थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहनें, उनका नाम अनीसा बताया जाता है। तो ये सारे घर के लड़के लड़कियां नज़र नहीं आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अम्मी जान, मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहनें और मेरा भाई दिन में नज़र नहीं आता, मैं अकेला रहता हूँ, क्या बात है? तो हलीमा कहती हैं कि बेटा, बात यह है कि हमारे पास जानवर हैं लेकिन कोई चराने वाला नहीं है, खिदमत करने वाला ग़ुलाम वगैरह नहीं है, हम लोग गरीब घराने के हैं, इसलिए हम घर के अफराद ही जानवरों को चलाते हैं, इसलिए आपके भाई और बहनें और भाई उन जानवरों को चराने के लिए जंगल जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अम्मी जाने कैसी बेइंसाफी है, मेरे भाई तो चराने के लिए जाए और मैं आराम से अपने घर में रहूँ। हलीमा कहती है, बेटा नहीं, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी देखभाल को, तुम्हारी खिदमत को हम अपनी सआदत समझते हैं, अपनी मेराज समझते हैं, हम आपसे कोई काम नहीं ले सकते, आपको बकरियां चराने के लिए जंगल नहीं भेज सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अम्मी जान, मुझे हरगिज़ ये गवारा नहीं कि मेरे भाई और मेरी बहनें तो जाए जंगल में बकरियां चराने के लिए, कोई वो काम करे और मैं आराम से बैठा रहूं, मुझे हरगिज़ ये गवारा नहीं। मैं अपने भाई और बहनों के साथ कल से मैं भी जंगल जाऊंगा। इसरार करते हैं, इसरार करने पर हलीमा इजाज़त दे देती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने भाई और बहनों के साथ जंगल को जाते हैं जानवरों को चराने के लिए। कुछ दिन मामला चलता रहता है, लेकिन अचानक एक दिन हलीमा के बच्चे जंगल से दौड़ते हुए घर तशरीफ लाते हैं, कहते हैं अम्मी जान गसल हो गया। क्या हुआ? दो लोग आए, उन्होंने हमारे भाई को पकड़ा, जमीन पर लिटाया और उनका कत्ल कर दिया। ये बात सुनते ही हलीमा घबरा जाती है, चिल्लाती है। हलीमा के खानदान वाले जमा होते हैं, सब दौड़े हुए जंगल की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहनी को पकड़े हुए हैं और कुछ कमजोरी के आसार अल्लाह के नबी के चेहरे से नुमाया हो रहे हैं। हलीमा दौड़ती है, अल्लाह के नबी को जकड़ लेती है, सीने से लगा लेती है, समेट लेती है, कहती है प्यारे तुझे क्या हुआ, तेरे साथ क्या मामला हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मीठी जबान में कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग सफेद लिबास पहने हुए आए और मुझे पकड़ा, मुझे सुलाया, मेरे सीने मुबारक को चाक किया, यहाँ तक के नाफ तक, सीने से नाफ तक मेरे सीने को चीरा, फिर उसमें से मेरे दिल को निकाला, दिल को चीरा, दिल में से कोई चीज निकाली, फिर उस दिल को सिया और उस दिल को धोया गया, फिर उस दिल को अपनी जगह पर रखकर फिर सी दिया गया। और ये सारा मामला मैं देखता भी रहा, मुझे बेहोश नहीं किया गया था, ये सारा मामला मैं देख भी रहा था। अब वहां से हजरत हलीमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक राहिब के पास जाते हैं, जाकर उनसे सारा मामला बयान करते हैं। तो राहिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जिंदगी की हालात पूछता है, कहाँ पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, क्या हालात है, किस कबीले से है। तो सारे वाकियात पूछने के बाद वो राहिब कहता है कि कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसकी शान बड़ी शान है, ये बड़ा शान वाला बच्चा मालूम होता है और इसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं जो इसको कत्ल करने की कोशिश करेंगे। जब ये बात हलीमा ने सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, घबरा गई, फौरन मक्के की तरफ सफ़र का इंतज़ाम किया, मक्के को लाई और कहा आमीना से कि मैं अब इस बच्चे को रखने के काबिल नहीं हूँ, मेहरबानी करके आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी में कोताही ना कर बैठूं, जो जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी कहीं वो जिम्मेदारी मुझसे छूट ना जाए, इसलिए मुझे डर होता है, इसलिए मैं अब उस डर की वजह से इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। हलीमा ये कहकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना के हवाले बच्चे को कर देती हैं। अब ये बच्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन अपने वालिदा के साये में परवरिश पाते हैं। जब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्र को पहुंचते हैं जिसमें बच्चों को कुछ शुऊर आ जाता है, कुछ समझने सूझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, तो बीबी आमीना ने ख्याल किया कि क्यों ना मैं अपने बेटे को अपने ननियाल से, अपने नानी के ख़ानदान से, अपने नाना के ख़ानदान से मिलाकर आऊं, ये इरादा करती है। और इनका नाम ननियाल मदीने में होता है, तो बीबी आमीना मदीने के सफ़र की तैयारी करती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना पहुंचती हैं। अब मदीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन रहते हैं, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरना भी सीखते हैं। मदीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 6 साल की उम्र में तैरना सीखा।
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अतवार, उनका हुस्न मशहूर होता जाता है मदीने के अंदर, इसलिए कि तमाम बच्चों से अजीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेल किसी और से मिलता नहीं था। उनका जिस्म, उनके हाथ, उनके आंख, उनका जिस्म, उनका बोलने का अंदाज, उनका चलने का अंदाज, उनका मिलने का अंदाज, उनका खेलने का अंदाज, उनका लेने देने का अंदाज निराला था। जहालत का ज़माना था, बच्चे खेलने में धोखा भी दे डालते थे और बोलने में झूठ भी कह देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलचाल ऐसी नहीं थी। बोलते सच्चे थे, खेलते सही थे। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात या अतवार, उनके रहने सहने का ढंग मशहूर होता गया। कुछ राहिब भी इस शोहरत को सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आ गए और देखते रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ बशारतें देते गए। यही बातें आमीना के कान में पड़ती रही। इन्हीं बातों के दरमियान कुछ बातें ऐसी भी पड़ी जिससे ये महसूस होगा बीवी आमीना को कि मेरे बच्चे के जान को भी खतरा है। इसलिए फौरन बीवी आमीना ने मदीने से चलने का इरादा कर लिया और मक्के को आने का सामान सफर इंतजाम किया और फौरन वहां से मदीने से निकली और मक्के का रुख किया। लेकिन होता यह है कि उसी दरमियानी सफ़र में मकाम अबुआ, जो मक्के और मदीने के दरमियान में एक जगह है, वहाँ पहुँचती हैं तो बीबी आमीना इंतकाल कर जाती हैं। आज भी उनकी कब्र वहाँ पर मदीना और मक्के के दरमियान में जो मकाम अबुआ है, रास्ते से हटकर कुछ पहाड़ियों के इलाके में, वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमीना की मज़ार आज भी मौजूद है। तो इस छोटी सी उम्र में हज़रत बीबी आमीना का साया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकल जाता है। पहले ही पैदा होने से पहले बाप का साया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छूट चुका था। अब ये छोटी सी उम्र में, 6-7 साल की क्या उम्र होती है, इस छोटी सी उम्र में माँ का साया भी सर से उठ जाता है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीना की एक बांदी लेकर आती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले करती हैं। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त मक्के के सरदारों में से थे और अब्दुल मुत्तलिब की ये शान थी कि काबे की दीवार को लगकर दरवाजे के बाजू में आपके लिए एक गद्दा बिछाया जाता था, बेहतरीन गद्दा जिसमें आजू बाजू में तकिए भी लगाए जाते थे। तो बेहतरीन गद्दा बिछाया जाता था जिस पर सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब के जो लड़के थे, उन बच्चे थे, उनको भी बैठने की वहाँ पर इजाज़त नहीं थी। लेकिन कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जाकर बैठ जाते थे। अब्दुल मुत्तलिब को उनके लड़के शिकायत करते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटा ख्याल रखना, कभी मोहम्मद को उस गद्दे पर से ना उठाना, चाहे मैं नीचे बैठ जाऊं, लेकिन मोहम्मद को उस गद्दे पर से उठाना मैं गवारा नहीं करता। वो शांति अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत हर बड़े छोटे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह बिठाया था, क्यों ना बिठाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात, काम बोलने का अंदाज, काम करने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज, क्या निराला, क्या खूबसूरत आपके चेहरा क्या खूबसूरत, जो भी देखता था उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत उनके दिल में घर कर जाती थी। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के साथ उस गद्दे पर बैठा करते थे और अब्दुल मुत्तलिब के पास बड़े बड़े लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आया करते थे। मक्के के लोग, दूसरे कबाइल के लोग, बल्कि दुनिया भर से लोग अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे, इसलिए कि कुरैश के सरदारों में माने जाते थे। बड़ी ऊंची हस्ती थी और उनके दरमियान बातचीत का तरीक़ा, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी देखा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ा बनना था। और इतना बड़ा, बल्कि इतना छोटा मोटा बड़ा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे आलम का बड़ा बनना था।
अल्लाह तबारक व ताला ने इनके इनके परवरिश और इनका जीने का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखने का अल्लाह तबारक व ताला ने इंतज़ाम कर दिया था। दोस्तों वक्त ख़त्म हो चुका है, बाकी इंशा अल्लाह तबारक व ताला ज़िंदगी बाकी रही तो आइंदा अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सही माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम